तो अब विक्रम जी ये बताइए कि आप यहाँ पे मोमो सेंटर कितने दिन से मतलब यहाँ पे हैं? हम लोग का लेवल 7 साल हो गया भैया। 7 साल हो गया है गाइस यहाँ पे। और किस किस टाइप का मोमोज मिल जाता है यहाँ पे? हम सिर्फ 2 टाइप का मोमो बनाते हैं, वेज और चिकन मोमो। तो गाइस यहाँ वेज और चिकन दोनों मोमोज मिल जाएगा यहाँ पे। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी मॉर्निंग के 11 बज चुके हैं और मुझे जाना है काम में, तो चलिए पहले खाना वाना खाते हैं उसके बाद काम में जाते हैं। तो गाइस आज साइट पे कहीं नहीं जाना क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रखा है, तो हम लोग वहाँ से आएंगे और हम लोग कहीं आज जाने वाले गाइस। तो चलिए पहले काम करके आते हैं उसके बाद चलेंगे। तो चलिए गाइस ब्लॉग में बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड मेरा खाना आ चुका है ये देखें, तो चलिए जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और चलते हैं। तो फ्रेंड अब मैं घर से निकल चुका हूँ खाना वाना खा के, और देखिए मौसम कितना अच्छा किया हुआ गाइस। ये देखें पूरा बादल लगा हुआ है और इसलिए छाता भी ले लिया अपने पास ताकि बारिश रास्ता में मारने लगे तो टाइम वेस्ट ना हो, रुकना ना पड़े मुझे। और ये बड़ा वाला छाता है तो उससे थोड़ा सा फ़ायदा भी है और थोड़ा नुकसान भी है इससे, क्योंकि मेरा बैग नहीं भीगता है गाइस। छोटा वाला छाता में थोड़ा सा बैग भीग जाता है और लेकिन इसको कैरी नहीं किया जा सकता है तो हाथ में लेके ही चलना पड़ता है। तो चलिए गाइस चलते हैं भैया के घर जल्दी से। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि बारिश भी स्टार्ट हो गया है अब, और मैं छाता लेके ठीक किया कि छाता लेके आ गया था गाइस, तो मुझे रुकना नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसा बारिश है बहुत तेज़ है तो लग रहा कहीं रुकना फिर भी पड़ जाएगा जबकि छाता लिया हुआ हूँ, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है और हम तो भीग सकते गाइस लेकिन लैपटॉप भीग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए देखिए लैपटॉप को हम आगे अपना रख लिए गाइस। ये देखिए लैपटॉप को पीछे भीग रहा था तो आगे में हम ये कर लिए हैं, और हवा भी काफ़ी चल रहा है गाइस। तो चलिए अब फ़ोन भी रखना होगा, तो चलिए गाइस अब फ़ोन तो रखते हैं बैग में। देखिए गाइस छाता उड़ रहा, हवा चल रहा बहुत तेज़, तो रखते हैं कैमरा। तो फ्रेंड अब बारिश रुक चुकी है ये देखें, लेकिन बादल अभी भी किया हुआ है पूरा, ये देखें। तो दोबारा बारिश हो उससे पहले हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं। तो फ्रेंड मैं काम से अपना लौट चुका हूं और तभी ब्लॉग शूट नहीं कर पाया आते वक्त, क्योंकि गाइस बारिश हो रही थी तो फ़ोन भी भीग जाता तो फ़ोन बैग में रख लिए थे। तो गाइस शाम में हम लोग जहां जाने वाले थे जा रहे हैं, तो हम लोग आज जाने वाले हैं गाइस रामगढ़ का सबसे जो मशहूर है, फेमस है यहाँ पे मोमोज सेंटर, वहाँ पे जाने वाले हैं। और उनका घर हम लोग का मोहल्ला में ही है लेकिन उनका दुकान आज हम लोग जाने वाले हैं, और हम लोग का आज फूड पार्टनर है ये देखिए, फूड पार्टनर हम लोग का आशुतोष कुमार। और चलिए हम लोग दोनों चलते हैं और वहाँ का मोमोज का क्या रेट है, क्या टाइमिंग है और कैसा है, चलिए वहाँ पर दिखाते हैं, खा के टेस्ट करके भी दिखाएँगे और रिव्यू भी लेंगे पब्लिक लोग से। तो चलिए गाइस चलते हैं, तो ब्लॉग में बने रहिए। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. तो चलिए गाइस अब हम लोग जो विक्रम है उसे बात करते हैं, जो यहाँ का ऑनर है मोमो सेंटर का। तो चलिए गाइस इनके पास चलते हैं और कुछ जानकारी देते हैं आपको। तो ये देखिए विक्रम। हाय गाइस। तो अब विक्रम जी ये बताइए कि आप यहाँ पे मोमो सेंटर कितने दिन से मतलब यहाँ पे हैं? हम लोग का लेवल 7 साल हो गया भैया। 7 साल हो गया है गाइस यहाँ पे, और 7 साल से बता दें रामगढ़ में मतलब कि इनका मोमोज ही फेमस है और बहुत सारा मोमोज दुकान है। लेकिन यहाँ पे आएंगे तो जब भी आएंगे आप तो भीड़ बहुत काफ़ी मिलेगा। तो किस किस टाइप का मोमोज मिल जाता है यहाँ पे? हम सिर्फ 2 टाइप का मोमो बनाते हैं, वेज और चिकन मोमो। तो गाइस यहाँ वेज और चिकन दोनों मोमोज मिल जाएगा यहाँ पे, और जो रेट का जानकारी है वो भी चलिए बात कर लेते हैं हम लोग।
तो रेट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वेज मोमो भैया 25 रुपये का 6 पीस है और चिकन वाला 40 रुपये का 6 पीस। तो गाइस 25 रुपये पीस है वेज मोमोज और चिकन का 40। तो दुकान कितने बजे ओपन करता है डेली? दुकान 2 बजे से 9 बजे रात तक भैया। 2 बजे गाइज इनका दुकान ओपन हो जाता है, तो 2 बजे के बाद आप आ सकते हैं। और हम लोग भी अभी 3 ही बज रहा तो जल्दी आ गए हैं गाइज, क्योंकि भीड़ नहीं है तो हम लोग यहाँ पे बातचीत कर लिए हैं। तो चलिए गाइज अब मोमोज टेस्ट करते हैं इनका। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग मोमोज टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं आपको। वैसे हम लोग बहुत बार यहाँ खा चुके हैं और लगभग हम लोग यहीं पर खाते हैं। तो आज तुम चिकन खाया कि ये भेज? तो 2 प्लेट भेज मोमोज। देखिए फ्रेंड हम लोग का मोमोज बन रहा है यहाँ पे, ये देखें। तो चलिए फ्रेंड अब मोमोज खाते हैं, टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा लगा। आई समाप्त। बहुत टेस्टी है गाइस। तो गाइस अब हम लोग खा चुके हैं मोमोज और देखिए हम लोग का सूप आ रहा है, चलिए सूप पीते हैं। चलिए फ्रेंड अब सूप टेस्ट करते हैं। काफ़ी गर्म है वैसे, बारिश हुआ है तो गर्म पीने में अच्छा लग रहा है यार। तो चलिए गाइस अब हम लोग बात करते हैं, ये सूरज कैसा लग रहा है मोमोज? अच्छा है। ये देखिए और गाइस इधर भी चलिए पूछते हैं हम लोग। और भैया खा लिए मोमोज कैसा है? अच्छा। ठीक है। और देखिए उधर भी भैया लोग खा रहे हैं गाइस, ये देखिए भीड़ लग गया है। हम लोग आया हुआ अभी 15 मिनट हुआ है, ये देखिए पूरा भीड़ लग गया इधर। तो फ्रेंड अब हम लोग मोमोज सेंटर से लौट चुके हैं और चलिए अब ग्राउंड में, इसको ग्राउंड में भी जल्दी जाना है क्योंकि मैच खेलने के लिए इसका कॉल आ रहा है और इसीलिए जल्दी जल्दी चल रहा है ये भी। तो चलिए गाइस अब चलते हैं घर। तो फ्रेंड अब मैं घर आ चुका हूँ और घर आते मुझे एक और काम दुकान जाने का मिल गया है, तो चलिए फिर से वापस दुकान चलना पड़ेगा। तो चलिए गाइस कुछ सामान वो ले कर आते हैं। और ये देखिए बेटा हाय बोलो तो, हाय बोल दो तो एक बार हाय बोलो। हाय इधर देखे बोला। तो फ्रेंड अब दुकान से आ चुके हैं और ये देखें बेसन लाने गए थे, तो चलिए गाइस पहले बेसन देते हैं घर में। अब चलिए फ्रेंड ग्राउंड तरफ चलते हैं। और इधर देखिए सब बच्चा लोग क्रिकेट खेल रहा है, इधर देखिए गाइस इधर भी एक पिच है और उधर देखिए उधर भी एक पिच है और मौसम भी बारिश का किया हुआ है पूरा। कभी भी बारिश दे देगा तुम लोग का मैच बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड अब रात के 9 बज चुके हैं और चलिए अब खाना वाना खाते हैं, खाना भी आ गया मेरा। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग का यहीं पेंट करते हैं और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए गाइस बाय, गुड नाइट।